मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे इज अवर जीके क्लास। ऑल ऑफ यू टेक योर जीके बुक एंड ओपन पेज नंबर 14, चैप्टर 10, व्हाट दे आर। इन प्रीवियस क्लास वी ऑलरेडी टीच लेसन नंबर 8, डिड यू नो मैमल्स रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। इससे पहले हम मैमल्स रेप्टाइल्स और बर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं इससे पहले की वीडियो में। आज हम फिर से उसी के रिलेटेड जो इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको ओपन को हेल्प बॉक्स की मदद से फिल करना है। ओके, तो मैमल्स क्या होता है? जो अपनी माँ का दूध पीता है वो मैमल्स एनिमल, और जो बर्ड्स है जिसके है चोंच होती है, पंख होते हैं, वह होते हैं बर्ड्स। क्या होते हैं? बर्ड्स। और उसको बर्ड्स होते हैं वह अंडे भी देते हैं। ओके, रेप्टाइल्स मीन्स जो रेंग कर चलता है वह होता है रेप्टाइल्स। रेंगने वाले जो जानवर है वो रेप्टाइल्स कहलाते हैं। तो देखिए आपकी बुक के अंदर 14 पेज नंबर पे, पुट दिस एनिमल इन द राइट कॉलम्स। अपन को जो देखना है इसमें से आइडेंटिफाई करना है मैमल्स कौन सा है, बर्ड्स कौन सा है, रेप्टाइल्स कौन सा है। तो मैमल्स में कौन कौन सा आएगा बच्चों? देखिए आप, कौन कौन सा? ह्यूमन, गॉट, काउ और ब्लू व्हेल। सेकेंड है बर्ड्स। बर्ड्स में क्या है? पैरट, पिकॉक, ऑस्ट्रीच और ईगल। रेप्टाइल्स में लिजार्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल एंड टर्टल। ये सब जो है, ये जो जानवर है ये सब रैंक के चलते हैं। ये इसके पास चोंच और पंख और ये अंडे देते हैं। और मैमल्स है ये जो अपनी माँ का दूध पीते हैं, ये सब मैमल्स है। ओके, तो आपको अपनी बुक के अंदर फिल करना है पेज नंबर 14 पे। नेक्स्ट देखिए चैप्टर पेज नंबर 15। नेक्स्ट पेज नंबर 15, लेसन 11, अवर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत। द नेम ऑफ कंट्री इज इंडिया। भारत एंड हिंदुस्तान आर इट्स अदर नेम्स। देर आर मेनी फैक्ट्स अबाउट इंडिया विच वी शुड नो, हियर आर सम ऑफ देम। अपने देश को और नाम से भी बोलते हैं, जैसे कंट्री अपना ऐसे इंडिया तो बोलते हैं, उसका नाम इंडिया, भारत, भारत और हिंदुस्तान भी हम बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने इंडिया में कौन कौन सा अपना है जो नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम और भी क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। तो अपनी बुक ओपन करो, उसमें से देखो। अवर नेशनल फ्लैग हैज थ्री कलर्स, सफरन एट द टॉप, वाइट इन द मिडल एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम। इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड इज अ नेवी ब्लू व्हील। इट इज कॉल्ड अशोक चक्र। इट हैज 24 स्पॉक्स। अपना जो नेशनल फ्लैग है उसके कितने कलर है? थ्री कलर है। थ्री कलर, सफरन एट द टॉप, केसरिया कलर जो है सबसे टॉप पे है। केसरिया कलर कौन सा है? सबसे टॉप पे केसरिया, ऑरेंज कलर। और व्हाइट इन द मिडिल, डार्क ग्रीन एट द बॉटम। व्हाइट में, मिडिल में व्हाइट कलर है, और जो सबसे लास्ट में बॉटम है वो है ग्रीन कलर। इन द सेंटर ऑफ व्हाइट बैंड इज अ नेवी ब्लू व्हील। बीच में जो है, बीच में एक सर्कल बना हुआ है, व्हील बना हुआ, चक्र बना हुआ है, वो नेवी ब्लू कलर का बना हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? अशोक चक्र। क्या बोलते हैं? अशोक चक्र। उसमें 24 स्पोक्स है, 24 टिल, इसमें 24 लाइंस जो है स्पोक्स, उसको 24 बनी हुई है। नेशनल फ्लैग। अब नाउ नेशनल एम्बलम। अवर नेशनल एम्बलम इज लायन कैपिटल। अपना नेशनल एम्बलम कौन सा है बच्चों? लायन कैपिटल। Adopted from Ashoka's pillar, ये अशोक स्तंभ से लिया गया है। It has four lions standing back to back. वहाँ पे चार लायन बने हुए, चार शेर बने हुए हैं, और but we can see only three lions at a time. लेकिन हम जब आगे से देखते हैं तो only हमको three faces दिखाई देते हैं, लेकिन वो four है, लेकिन हमको दिखाई only three देते हैं। एक दूसरे के सारे back to back खड़े हुए हैं, three only, but we can see only थ्री लायंस। देयर इट ए धर्म चक्र इन द सेंटर ऑफ द बेस। इनके बेस जो बीच में जो चक्र है उसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र। ऑन द राइट साइड ऑफ द धर्म चक्र इज अ फिगर ऑफ बुल एंड द लेफ्ट इज फिगर ऑफ हॉर्स। उसका जो फिगर बना हुआ है, जो बुल का, बैल का जो फिगर बना हुआ है, वह राइट साइड में जो धर्म चक्र है, धर्म चक्र के फिगर ऑफ अ बुल एंड लेफ्ट साइड में हॉर्स दिखाई देता है, और जो राइट साइड में है उसको अपन वहाँ पे बैल का दिखाई देता है।
वन साइड में हॉर्स बना हुआ है और वन साइड में बैल बना हुआ है। तो राइट साइड में क्या बना हुआ बच्चों? बुल। और लेफ्ट साइड में हॉर्स बना हुआ है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। नेशनल एम्बलम है, लायन कैपिटल बोला है, इसको असम स्तंभ से लिया गया है और इसमें चार लायन खड़े हैं बैक टू बैक और अपन को ओनली आगे से थ्री दिखाई देते हैं, एक पीछे की साइड है। और जो इसका बीच में जो सेंटर में है धर्म चक्र, इसको बोलते हैं हमन, सेंटर में बना हुआ है। और राइट साइड में बुल का दिखाई देता है, बुल का फिगर दिखाई देता है और लेफ्ट साइड में है जो हॉर्स का दिखाई देता है। लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर, पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड, टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। ओके, लोटस कौन सा है अपना नेशनल फ्लावर कौन सा है बच्चों? लोटस। और नेशनल बर्ड पिकॉक और नेशनल एनिमल टाइगर। नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग त्रिरंगा। नेशनल एम्बलम लायन कैपिटल। और अभी देखिए नीचे की ओर, इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। दिल्ली इज नेशनल कैपिटल टेरिटरीज एंड न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली, अपने कैपिटल कौन सा है? दिल्ली। वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947। हम पहले ब्रिटिश के अंडर में थे, ब्रिटिश शासन में थे, तब हमारे ब्रिटिश शासन थे। अब अपन ने कब आजादी प्राप्त की बच्चों? 15 अगस्त 1947 में हम फ्रीडम हुए थे। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। जो राजेंद्र प्रसाद थे वो फर्स्ट, कौन था फर्स्ट सबसे पहले अपने प्रेसिडेंट इंडिया का? कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट मैं लिखती हूँ नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग कौन सा है? नेशनल फ्लैग कौन सा है बच्चों? नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग तिरंगा। कौन सा है? तिरंगा। नेक्स्ट, नेशनल एम्बलम कौन सा बच्चों? लायन कैपिटल, लायन कैपिटल। नेशनल एम्बलम लायन कैपिटल। नेशनल फ्लावर कौन सा बच्चों? लोटस। कौन सा है? लोटस। नेशनल फ्लावर लोटस। नेशनल बर्ड पिकॉक, नेशनल बर्ड पिकॉक, PEACOCK पिकॉक। लास्ट, नेशनल एनिमल कौन सा है बच्चों? टाइगर। कौन सा है? टाइगर। ऑल ऑफ यू गॉट इट? ऑल ऑफ यू गॉट इट? ओके, आई विल सेंड इन आंसर व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, लेसन 11 अवर कंट्री इंडिया, इसके बारे में हम पढ़ लिए अपने। और नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम, नेशनल फ्लावर, नेशनल बर्ड और नेशनल एनिमल। एक बार फिर से देखेंगे अपन, नेशनल फ्लैग कौन सा है? तिरंगा। नेशनल एम्बलम अशोक, नेशनल एम्बलम लायन कैपिटल। लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस। नेशनल बर्ड पिकॉक, नेशनल एनिमल टाइगर। ओके, आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके जो मेरे क्वेश्चन आंसर्स है आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। और किसी भी प्रकार का कुछ डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।